हेलो रिवान वेलकम टू द फेस द टेस्ट प्लेटफॉर्म तो ये लेक्चर में अपन रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है इन ऑल लाइफ साइंस एग्जाम्स उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे उनको सॉल्व करने का अप्रोच हम इसमें समझेंगे ठीक है तो ये सी एस एन नेट डी बी टी बी ए आर सी ओ सी एस आई आई टी जैम ठीक है महाराष्ट्र सेट लाइफ साइंस तो जितने भी लाइफ साइंस के एग्जाम्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ईजी क्वेश्चन आते हैं और बहुत स्कोरिंग है ठीक है तो हर एक साल क्वेश्चन आता ही है ठीक है तो मोस्ट फ्रीकवेंटली आज टॉपिक है ये ठीक है तो जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता ही है कि अपना यूट्यूब का चैनल भी है और दो टेलीग्राम ग्रुप्स भी है अगर न्यू स्टूडेंट एंड्रॉयड ऐप के ऊपर देख रहा है या फिर अपना यूट्यूब चैनल के ऊपर ये लेक्चर देख रहा है सो दे ऑलरेडी नो दैट वी हैव अवर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज़ फेस द टेस्ट लाइफ साइंस तो आपको यूट्यूब डॉट कॉम पर जाके ये सर्च करना है एज इट इज़ आपके सामने अपना यूट्यूब का चैनल ओपन हो जाएगा ठीक है तो आप फ्री लेक्चर्स देख सकते हो कुछ अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं लाइक हाउ टू मेक नोट्स कौन से सब्जेक्ट्स के लिए कौन से रेफरेंस बुक्स को रेफर करना चाहिए डी एग्जाम की स्ट्रैटेजी ये सब मैंने अपलोड करके रख दिया है ठीक है तो आप ये सर्च करके अपना यूट्यूब का चैनल ज्वाइन कर सकते हो या फिर सब्सक्राइब कर सकते हो एंड ऑल्सो यू कैन शेयर आवर यूट्यूब चैनल विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर्स ठीक है अपने दो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं आपको ऐसा का ऐसा अपना ग्रुप आईडी सर्च कर लेना है अपने टेलीग्राम ऐप के ऊपर ठीक है तो आपके सामने टेलीग्राम ग्रुप ओपन हो जाएगा क्विज वाला जिसके अंदर मोर देन थ्री थाउजेंड प्रीमियम क्वालिटी के क्विज क्वेश्चन ऑलरेडी उसके ऊपर पड़े हुए हैं वो आप आज ही जाके वो वाले क्विज वाले पोल्स आप देख सकते हो और ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो उसके ऊपर कुछ स्टडी मटेरियल भी मैं अपलोड करते रहता हूँ ट्रिक्स एंड टिप्स रिगार्डिंग हाउ टू क्रैक लाइफ साइंस एग्जाम्स एंड ऑल द इम्पोर्टेंट अपडेट्स अबाउट अपकमिंग एग्जाम्स में ये सब उस पर रेगुलरली पोस्ट करते रहते हो ठीक है अपना सेकेंड टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसका नाम है फीज द टेस्ट लाइफ साइंस तो आपको एज इट इज ऐसा का ऐसा सर्च करना है टेलीग्राम ऐप के ऊपर आपने सबने ये वाला ग्रुप ओपन हो जाएगा जो है डाउट डिस्कशन वाला, जहाँ पे स्टूडेंट्स एक दूसरे के डाउट्स डिस्कस करते हैं इससे उनको बहुत फ़ायदा मिलता है स्पेशली इन सॉल्विंग सी एस नेट के पार्ट सी के क्वेश्चन तो ऐसा आपके साथ बहुत बार होता है कि कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते कि आपको लगता है दो ऑप्शन या तीन ऑप्शन सही है कभी कभी ऐसा लगता है फॉर एग्जाम्पल इन टेक्निक्स क्वेश्चन कि सारे के सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं तो ये क्यों हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है और आपकी जो सॉल्विंग की जो एबिलिटी uh, है वो ठीक से डेवलप नहीं हुई है ठीक है तो आपको और प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी तो आप ये डाउट डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो विद अदर स्टूडेंट्स एंड यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप्स विच इज़ एंटायरली फ्री एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल सो दैट यू वोंट मिस एनी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग वेन माई नेक्स्ट वीडियो विल गेट अपलोडेड ठीक है तो मैंने कुछ कोर्सेज भी लॉन्च uh, करके रख दिए हैं एंड्रॉयड ऐप के ऊपर मोर देन वन एटी प्लस स्टूडेंट्स वो ज्वाइन कर चुके हैं बहुत ही मिनिमम और चीपेस्ट प्राइस में मैंने कोर्स लॉन्च किया है ऐप और ये सब की लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं तो आप वो देख सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं जो कि आया था सीएसएन नेट एग्जाम में जून 2018 पार्ट सी सेक्शन में ठीक है गिवन बिलो इ टेबल विथ इन्फॉर्मेशन ऑन आइसोटोप्स देर हाफ लाइफ एंड द टाइप ऑफ पार्टिकल्स इमिट ठीक है एकदम ही आसान सा मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आया था ठीक है ये तीन ये टेबल दिया है मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको ये बताया था कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला है आप इसको कभी ना भूलें और ये याद भी रह जाता है क्योंकि इसका हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है ये रेडियो आइसोटोप ऑफ कार्बन जो है उसका जो हाफ लाइफ है वो फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड ईयर्स तो आप अगर ये भी याद रखते तो ये वाला क्वेश्चन बन सकता था क्योंकि B का अगर वन है B का वन B का टू नहीं B का थ्री नहीं B का टू नहीं B का, का वन सिर्फ एक ही ऑप्शन में है अगर आपको सिर्फ ये भी पता होता तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे कितना इजी था इसको सॉल्व करना सेकंड इज़ द करेक्ट ऑप्शन एलेवन वाला जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप कार्बन का वो उसका हाफ लाइफ है बीस मिनट और वो एमिट करता है बीटा को बीटा टाइप ऑफ पार्टिकल को और ये जो सोडियम का रेडियो आइसोटोप है वो उसका हाफ लाइफ है फिफ्टीन पॉइंट वन आर और उसका टाइप ऑफ पार्टिकल एमिटेड इज गैमा ठीक है तो ये आपको याद रखना ही पड़ेगा अपन ने लिस्ट ऑफ़ इंपॉर्टेंट रेडियो आइसोटोप्स अलॉन्ग विथ हाफ लाइफ एंड टाइप ऑफ पार्टिकल्स एमिटेड ये मैंने अच्छे से आपको टेबल के अंदर दे के रख दिया था और ये भी बोला था कि उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा अगर ये टाइप का आया तो ठीक है तो जिन्होंने इन वन पेज कोर्स सीरीज ज्वाइन करके रखी है वन फिफ्टी में उनके लिए मैंने ये पी अपलोड की थी और अपने टेक्निक्स वाले कोर्स में तो ये मेंशन करके रख दिया था मैंने स्लाइड्स के अंदर ठीक है तो आपको ये समझ में आया होगा ठीक है तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं टे, टेक्निक्स का कोर्स बहुत ही बढ़िया कंटेंट मैंने उसके अंदर डाला है ठीक है तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था और स्कोरिंग था और आपको ये याद रखना ही पड़ेगा इंपॉर्टेंट रेडियो आइसोटोप्स का हाफ लाइफ एंड टाइप ऑफ पार्टिकल्स इमिटेड ठीक है हाफ लाइफ मतलब क्या होता है कि अगर हम कंसंट्रेशन ले मान लो समझने के लिए हमने कंसंट्रेशन लिया नैनोग्राम में रेडियो आइसोटोप ठीक है ये भी बहुत ज्यादा है लेकिन इतना अगर लिया हमने तो इसको आधा होने के लिए जितना टाइम लगेगा उसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ तो अगर हम 14 कार्बन की बात करें या फिर रेडियो आईसो कार्बन की बात करें तो इसकी हाफ लाइफ है 5700 थाउजेंड तो 100 नैनोग्राम से 50 नैनोग्राम होने के लिए या फिर आधा होने के लिए कितने साल लगेंगे 5700 थाउजेंड फॉर दिस रेडियो आईसो ठीक है और ये हमको ये पता है कि रेडियो आइसोटोप इज़ अनस्टेबल तो वो स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए जो एक्सेस फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है वो लिबरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ा बीटा या गैमारेस ठीक है तो ये हर एक रेडियो आइसोटोप के लिए अलग अलग मेथड होगी टू लिबरेट अल्फ़ा बीटा और रेस ठीक है तो ये अलग अलग दिखाते हैं ठीक है थीके? तो हमने ये डिटेल में डिस्कस किया था अल्फ़ा रेस एमी हुआ तो क्या चेंजेस आते हैं डॉटर पेरेंट मॉलिक्यूल और डॉटर मॉलिक्यूल कौन सा बनता है बीटा डीके का हमने पॉजिट्रॉन एंडटिव नेगेटिव नेगेट्रॉन डीके भी देखा था और गैमा रेडिएशन भी डिस्कस किया था इन आर लेक्चर ठीक है तो ये आपको पता है तो अभी सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं जो रिसेंटली 2019 में आया था सी एस नेट के अंदर पार्ट बी सेक्शन का क्वेश्चन है यहाँ पे दिया है इफ़ यू इंजेक्ट अ माउस विथ रेडियो एक्टिव मटेरियल ऑफ करंट एक्टिविटी ऑफ 256 फिफ्टी सिक्स क्या है यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी ठीक है वॉट विल बी द एक्टिविटी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिक्स हाफ लेक्स बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं इसलिए तो ये पार्ट बी में आया था ठीक है ध्यान से समझना अगर हम ये माउस ले यहाँ पे ठीक है ये माउस के अंदर अपन ने क्या डाला कितना इंजेक्ट किया 256 बेकेरल सिक्स रेडिएक्टिव कंपाउंड ठीक है या फिर मटेरियल तो हाफ लाइफ हमको पता है कि इसका आधा होने के लिए जितना लगेगा वो एक हाफ लाइफ होगी ये फर्स्ट ठीक है फिर वापस से इसका आधा होगा ठीक है ये सेकेंड हो गया हाफ लाइफ फिर वापस से इसका आधा हो गया ये थर्ड हाफ लाइफ फिर वापस से इसका आधा हो गया ये फोर्थ हाफ लाइफ फिर वापस से इसका आधा हो गया ये फिफ्थ हाफ लाइफ और ये वापस से आधा हो गया ये हो गई सिक्स हाफ लाइफ तो आंसर क्या मिला अपन को आफ्टर सिक्स हाफ लाइफ इफ वी इनिशिएटेड विथ टू फिफ्टी सिक्स बेकेरल तो आफ्टर सिक्स हाफ लाइफ जो रेडियो एक्टिव मटीरियल का जो कॉन्सनट्रेशन होगा वो फोर बी क्यू डेट इज़ बेकेरल में होगा ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन इज ए अभी मुझे बताओ इसमें क्या डिफिकल्ट लगा आपको तो इससे दो टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं एक ये है दूसरा परसेंट में देगा वो आपको कि इनिशियल अमाउंट अगर 80 होगा 80 परसेंट तो बताओ चार हाफ लाइफ के बाद कितना अमाउंट बचेगा कितना इन परसेंटेज तो ये टाइप के दो क्वेश्चन बन सकते हैं और ये बहुत बार पूछे गए हैं और इसमें कुछ करते नहीं जाना है आपको ठीक है इसमें कुछ करना ही नहीं है फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद कितना होगा सेकेंड हाफ लाइफ के बाद कितना होगा थर्ड हाफ लाइफ के बाद कितना होगा बस ये आपको आधा आधा करके आपको फाइनल आंसर तक पहुंचना है ठीक है लेकिन इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है लेकिन नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है ठीक है तो मैंने जैसे किया वैसे आपको इसको सॉल्व करना है ठीक है तो इसको अगर हम देखें तो यह सीएसएन नेट नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी का पार्ट सी सेक्शन का क्वेश्चन है ठीक है और ये बहुत बच्चों ने गलत किया है बहुत ही ईजी है वन क्यूरी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ वन क्यूरी क्या है ये भी यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी है और जो बेकेरल है वो भी क्या है यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी ठीक है तो वन क्यूरी को भी इन्होंने डिफाइन किया कि इट इज द क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैविंग अ डी के रेट ऑफ टू पॉइंट टू टू इंटू टेन टू ट्वेल्व डिसइंटीग्रेशन पर मिनिट डी पी एम

वन क्यूरी इक्वल टू टेन रेस्ट टू सिक्स माइक्रो क्यूरी अभी ये तो हम रेगुलरली रेगुलरली uh, इसको परफॉर्म करते रहते हैं लैब में वाइल कैलकुलेटिंग फॉर द केमिकल्स एंड ऑल दैट अगर ये भी पता है कि वन मोलर इक्वल टू टेन रेस्ट टू सिक्स मोलर ठीक है वन मोलर इक्वल टू टेन रेस्ट टू थ्री मिली मोलर ठीक है वैसे एम एल के लिए भी है वन लीटर इक्वल टू थाउजेंड एमएल ठीक है वन लीटर इक्वल टू टेन रेस टू सिक्स माइक्रो लीटर ठीक है तो ये हमको पता है तो वैसे ही मैंने इसका निकल दिया कितना दिया है हंड्रेड माइक्रो क्यूरी तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते बराबर इसको और छोटा किया तो ये ऐसा हो जाएगा इसको और छोटा किया और कम क्वांटिटी, डेट इज माइक्रो क्यूरी तो इन क्यूरी कितना हो गया ये टेन रेस टू माइनस एट ये हमको पता चल गया ठीक है तो इनिशियली कितना दिया था टू पॉइंट टू टू इंटू टेन रेस टू ट्वेल्व ठीक है ये होता है वन क्यूरी के लिए वन क्यूरी तो इसको अगर लिखना है तो कैसे लिखोगे आप हंड्रेड माइक्रो क्यूरी इक्वल टू टेन डे टू माइनस एट क्यूरी ठीक है ये तो हो गया सिक्स सेवन एट ठीक है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ये वन माइक्रो क्यूरी के लिए सॉरी वन क्यूरी के लिए ये है ठीक है फिर उसको हमने क्या किया माइक्रो क्यूरी में कन्वर्ट किया जो कि ये हो जाएगा और कितना दिया है हंड्रेड माइक्रो क्यूरी तो हमको और ये करना पड़ेगा टेन रेस टू टू ठीक है तो कितना हो गया ये टू पॉइंट टू टू इसको अगर हम करें पावर का ट्वेल्व माइनस सिक्स कितना हुआ सिक्स और सिक्स प्लस टू कितना हुआ एट ठीक है अभी ये बोल रहा है कि जो सिंटिलेशन काउंटर है वो सिर्फ फिफ्टी परसेंट एफिशियंसी से काम कर रहा है आधा एफिशिएंसी से काम कर रहा है तो अगर इतने डिसइंटीग्रेशन पर मिनट हुए तो कितना ये काउंट पर मिनट कर पाएगा इसके लिए 100 माइक्रो क्यूरी के लिए इसका 50 परसेंट इसका कितना 50% परसेंट तो ये कर दो आप 50% परसेंट ऑफ ये ठीक है ये तो वन बाई टू हो गया टू पॉइंट टू डिवाइडेड बाई टू कितना हो गया वन पॉइंट वन वन इंटू टेन टू एट कदम ठीक है बहुत ही इजी था ये बस कन्वर्जन में आपने अगर इस ये कन्वर्जन में अगर आप गलती करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा ठीक है तो मैंने यहाँ पे क्या गलती की थी ये पाँच होना चाहिए यहाँ पे और ये चार होना चाहिए ये क्या होना चाहिए चार टेन रेस टू माइनस फोर तभी तो ये माइनस फोर आएगा ठीक है तो ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है आराम से सॉल्व किया जा सकता था ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है तो ये किया हमने एनर्जी एब्जॉर्ब बाय टेन ग्राम ऑफ टिश्यू फ्रॉम दिस रेडिएशन ठीक है तो ये रेडियो आइसोटोप दिया है अपन को इस 14.9 जूल पर के एवरेज डोज इन रेड्स इस तो ये रेड्स क्या है एबजॉर्ब डोज ठीक है रेडियो एक्टिव एब्जॉर्ब डोज रेड आर एडी एक रेड होता है और एक ग्रे होता है ग्रे ग्रे जी आर ए वाई जिसको हम जी वाई से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है सो वन रेड जूल पर केजी दिया है इन्होंने क्या दिया है जूल पर केजी तो जूल पर केजी जब भी यूनिट होगा तो क्या आएगा ग्रे तो ये ग्रे का दिया है तो हमको ये पता ही है कि वन ग्रे इक्वल टू हंड्रेड रेड ये कन्वर्जन हमने डिस्कस किया था जब हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे थे कोर्स के अंदर टेक्निक्स वाले कोर्स के अंदर ठीक है क्या है ये हंड्रेड है ठीक है यहां पे अच्छा तो यह हो जाएगा हंड्रेड रेड रेड का फुल फॉर्म है रेडियो एक्टिव डोस ठीक है रेड इज क्वांटिटी ऑफ या फिर वन रेड इज द क्वांटिटी ऑफ गेमर रेस और एक्स रेज टू डिपॉजिट टेन रेस टू फाइव जूल्स इन वन ग्रैम ऑफ टिश्यू और मैटर ठीक है वेर एज वन ग्रे इज द क्वांटिटी ऑफ गैमा रेस और एक्स रे टू डिपोजिट वन जूल ठीक है कितना वन जूल ऑफ एनर्जी इन वन के जी ऑफ मैटर तो जूल पर के जी हो गया तो हमको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल गई कि ये तो ग्रे में होना चाहिए ठीक है और अपन को रेड्स में कैलकुलेट करना है तो ये कन्वर्जन अगर आपको पता होता तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी था तो 14.9 ग्रे इक्वल टू हाउ मेनी रेड बहुत ही इजी है अगर एक ग्रे 100 रेड के लिए होता है तो बस अपन को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ठीक है वन ग्रे इंटू एक्स इक्वल टू हंड्रेड इंटू फोर्टीन पॉइंट नाइन ग्रेड ठीक है तो x कितना हो गया वन फोर नाइन जीरो बाय वन वन फोर नाइन जीरो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर तो इसमें क्या डिफिकल्ट लगा आपको इतना करने की भी जरूरत नहीं थी मुझे एक्सप्लेन करना था आपको इसलिए मैंने ये इतना किया आपके लिए ठीक है यहाँ से आपको पता है कि अगर एक के लिए इतना है तो 14.9 के लिए कितना हो गया आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 1490 फोर नाइन ज़ीरो रेड ठीक है दो मिनट में इस, दो मिनट भी नहीं लग रहे इसको ये 30 सेकंड में इसका आंसर आप निकाल सकते थे या उससे भी कम ठीक है तो ये आपको समझ में आया होगा बहुत ही ईजी है तो जब तक आपको टर्म्स या फिर कन्वर्जन या फॉर्मूले पता नहीं होते हैं और जब आप फर्स्ट टाइम एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन देखते हैं तो आपको लगता है कि ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट पेपर आया है इस बार तो ऐसा नहीं है ठीक है तो वो डिपेंड करता है कि आप कंटेंट किस टाइप का पढ़ रहे हो और किससे पढ़ रहे हो ठीक है थीके? बहुत सारा बेसिक कंटेंट अवेलेबल है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे नो डाउट दैट दे आर ऑफरिंग इन लोवेस्ट प्राइस ठीक है आप एग्जाम भी क्लियर कर जाओगे चलो लेकिन उसके बाद क्या अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं हुए और आप सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको पढ़ रहे हो तो पीएचडी इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आने वाला है क्योंकि वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो अलग ही लेवल के होते हैं ठीक है थीके? तो आपको ये डेवलप करना पड़ेगा लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स ठीक है सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंटेंट पढ़ के नहीं चलने वाला है वो अपन तो बी एस में भी वही पढ़ते हैं और वो पढ़ के अपन अच्छे मार्क्स लाते हैं यूनिवर्सिटी के एग्जाम में लेकिन वो सफिशियंट नहीं है आप भी देख सकते हो कि आपके कॉलेज में जो फर्स्ट आया है या फिर यूनिवर्सिटी का टॉपर है वो तीन तीन साल लगा देता है सी एस आर नेट की एग्जाम क्लियर करने को तो ऐसा क्यों होता है ये आप सोचना ठीक है हर एक टॉपर देखो आप उनको गैप लेना ही पड़ता है सी एस आर नेट की एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ही रेयर स्टूडेंट्स होते हैं जो विदाउट पढ़ाई कर करके भी निकल लेते ठीक है तो बहुत रेयर कैटेगरी में आते हैं वो स्टूडेंट्स तो फर्स्ट आके सेकेंड आके थर्ड आके पूरे यूनिवर्सिटी का टॉपर होकर उनसे अगर ये लाइफ साइंस के एग्जाम्स क्लियर नहीं होते इसका मतलब अपन ने बी एस सी एमएससी में सिर्फ थी पढ़ी है और यहाँ पे अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो ये फ़र्क होता है ठीक है तो आप आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि, कि किस कंटेंट से आपको पढ़ाई करना है क्योंकि चीप प्राइसेस में देने वाले तो बहुत है लेकिन आपको वो आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि कौन सा अच्छे लेवल का कंटेंट डिज़ाइन कर रहा है जो कि सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं जॉब इंटरव्यूज़ पीएचडी एच इंटरव्यूज के लिए भी काम में आए ठीक है तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि पी इंटरव्यूज़ में बहुत कंसेप्शल क्वेश्चन आते हैं वो सीधा आपको बोलेंगे कि डिज़ाइन एंड एक्सपेरिमेंट तो फिर आप क्या करोगे और फिर जो बच्चे ने उनके सामने एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया और उसने ये भी बल, ये भी बताया कि ये एडवांटेज है डिसएडवांटेज है अगर ये प्रॉब्लम आती है तो हम दूसरे टेक्निक की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं अगर टाइम कम है या फिर कुछ रिएजेंट नहीं है तो हम अल्टरनेटिव टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये सारी सा, सारी चीज़ें मैंने टेक्निक्स के कोर्स में कवर किए तो आप वो डेमो डेमोलेक्चर्स देख सकते हो बहुत सारे डेमो डेमोलेक्चर्स अवेलेबल है ठीक है तो वो आप देख सकते हो जेनेटिक्स का कोर्स भी पूरा का पूरा मैंने लॉन्च करके रख दिया है ठीक है तो उसकी पढ़ाई तो आप आज से ही कर सकते हो ठीक है और जेनेटिक्स और टेक्निक्स ऐसे सब्जेक्ट्स है कि जहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते आज तो थेरी पढ़ के तो कोई फायदा ही नहीं है दोनों का ठीक है तो आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो ठीक है तो इसका फर्स्ट आंसर हाँ तो ये टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है कभी भी याद रखना कि अगर क्वेश्चन आए रेडियो आइसोटोप के बाद या फिर रेडियो आइसोटोप पे और अगर आपको दिया है कि कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट होने के लिए कितना टाइम लगेगा तो आपको आग बन करके इनफाइनाइट टाइम को टिक करना है ठीक है ये क्वेश्चन जानबूझकर मैंने ये स्लाइड में डाला है क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है इसके ऊपर क्वेश्चन आते भी है बच्चे क्या करते हैं वापस से कैलकुलेट करने लग जाते हैं और वो अप्रोक्सिमेट आंसर टिक करके आते तो ये जानबूझकर ट्रिकी क्वेश्चन डाला जाता है ठीक है तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट टाइम ओके कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट जब भी आए क्योंकि कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट होने के लिए इनफाइनाइट टाइम लगता है तो आपको आंसर क्या मार्क करना पड़ेगा इनफाइनाइट टाइम तो ये अच्छा क्वेश्चन था डी ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो आइसोटोप डज नॉट एमिट बीटा रेस 2008 में पूछा गया है डीबीटी के एग्जाम में ठीक है तो कौन से बीटा रेस एमिट नहीं करती ये क्या करते हैं बीटा रेस और आयोडीन वाला क्या करता है ये वाला रेडियो आइसोटोप गैमर इसको तो ये भी आप देख सकते हो कि अपन ने जो रेडियो एक्टिविटी पढ़ा था अपने कोर्स के अंदर टेक्निक्स के तो ये चारों के चारों वो टेबल में थे अलोंग विद द टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव या फिर रेस एमिटेड ठीक है तो वो टेबल से ही सारे क्वेश्चन आएंगे अगर ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं हाफ लाइफ के ऊपर टाइप ऑफ पार्टिकल एमिटेड तो वो जो चार्ट था टेबल था वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाहर से आपको दूसरे रेडियो आइसोटोप को हाथ भी नहीं लगाना है ठीक है मैं वापस वापस बोल रहा हूँ बार बार कि उतना जो चार्ट मैंने प्रिपेयर करके दिया है आपको उसी में से क्वेश्चन आएगा ठीक है नहीं तो अगर आप इंटरनेट पर सर्च करने लग जाओगे तो आप और कन्फ्यूज़ हो जाओगे बहुत अलग अलग रेडियो आइसोटोप्स अवेलेबल है ठीक है हम सब याद नहीं रख सकते और जो इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है उसी में से क्वेश्चंस आ रहे हैं ठीक है और मैंने ये भी बोला था कि वी डोंट हैव एनी चॉइस वी हैव टू रिमेंबर द हाफ लाइफ एंड द टाइप ऑफ पार्टिकल एमिटेड फॉर ऑल द कॉमन रेडियो आइसोटोप्स ठीक है तो उसके ऊपर तो कोई सोल्यूशन नहीं है आपको वो वाला टेबल या चार्ट जो है वो रेगुलर uh, रिवीजन के अंदर आपको वो प्रायोरिटी देना पड़ेगा नेक्स्ट अभी ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं लेने नहीं वाला था इसमें क्योंकि ये थोड़ा मोलिकुलर बायोलॉजी का भी क्वेश्चन है लेकिन हम इसको भी देख लेते इफ अ रेडियो एक्टिव डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल अंडर गोस टू राउंड्स ऑफ डी एन इन अ नॉन रेडियो एक्टिव मीडियम तो अगर मैं डबल स्टैंडर्ड डी एन ए को ऐसा ड्रॉ करूँ ठीक है ये कैसे है दोनों ये रेडियो एक्टिव है रेड वाला ठीक है ये क्या है रेड वाला या फिर रेड वाले जो डीएनए के स्ट्रैंड्स है वो रेडियो एक्टिव है मतलब रेडियो आइसोटोप्स वाले या फिर रेडियो लेबल न्यूक्लियोटाइड्स इनमें इनकॉर्पोरेटेड है तो इन्होंने क्या किया दो राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पूछा है इन नॉन रेडियो एक्टिव मीडियम तो ये इंपॉर्टेंट है तो नॉन रेडियो एक्टिव की बात चल रही है तो इसको मैं अगर फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लीकेशन बोलूँ तो हमको पता है कि हेलीकेस क्या करेगा हेलीकेस क्या करेगा ये दोनों डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करेगा तो ये सेपरेट ये सेपरेट तो ये मीडियम जो है मीडियम मीडियम में कैसे टाइप्स के नॉन रेडियो लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड्स तो नॉन रेडियो लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद है इन द मीडियम फिर अगर डीएनए रेप्लिकेशन चलता है और अगर हम मीडियम के अंदर नॉन रेडियो लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड्स प्रोवाइड करते हैं तो इसके अगेंस्ट जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा या फिर डीएनए का सिंथेसिस होगा वो कैसा होगा नॉन रेडियो लेबल्ड के साथ ठीक है ये नॉन रेडियो लेबल्ड है तो नेक्स्ट ये फर्स्ट राउंड का हो गया रिजल्ट अभी सेकेंड राउंड का रिजल्ट देखते ये वापस से सेपरेट करेगा इसमें इसमें और ये चार स्टैंड में सेपरेट हो गया ठीक है तो ये सेकेंड राउंड चलेगा सेकेंड राउंड चलेगा सेकेंड राउंड चलेगा सेकेंड राउंड चलेगा, second round चलेगा, second round चलेगा. डीएनए रेप्लिकेशन का मीडियम के अंदर कैसे न्यूक्लियोटाइड से नॉन रेडियो लेबल तो इनकॉर्पोरेट कौन से हो गए नॉन रेडियो लेबल रेडियो लेबल्ड डीएनए स्ट्रैंड ठीक है तो सेकेंड डीएनए रेप्लीकेशन के बाद ये रिजल्ट है चार डीएनए के मॉलिक्यूल्स हमको मिल जाएंगे डबल स्टैंडर्ड वाले तो अभी अपन क्या करेंगे ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे फर्स्ट ऑप्शन हाफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन नो रेडियो एक्टिविटी नो रेडियो एक्टिविटी हाफ तो हाँ इसमें तो रेडियो एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है और इसमें भी रेडियो एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है तो टू बाई फोर कितना हो गया हाफ तो so, ये तो भैया सही है ठीक है ऑल फोर मॉलिक्यूल्स कंटेंट रेडियो एक्टिविटी कैसे इसमें नहीं है इसमें नहीं है गलत थ्री आउट ऑफ फोर मॉलिक्यूल्स कंटेंट रेडियो एक्टिविटी थ्री आउट ऑफ फोर चलो इसमें है इसमें है तो ये तो दो इसमें हमको देखे देखने को दिक, देख दिक, 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 मिल रहा है रेडियो एक्टिविटी रेड वाला कितना है एक और दो ठीक है तो तीन नहीं है यहाँ पे दो होना चाहिए ठीक है इसलिए ये ऑप्शन कैसा है गलत रेडियो एक्टिविटी इज लॉस्ट फ्रॉम ऑल फोर मॉलिक्यूल्स नहीं इसमें रेडियो एक्टिव है थोड़ी सी और इसमें भी रेडियो एक्टिविटी है थोड़ी सी तो ये लॉस तो नहीं है गया ठीक है कितना आसान है ये और फर्स्ट ऑप्शन हाफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेंट्स नो रेडियो एक्टिविटी हाँ इसमें तो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है क्या डबल स्टैंडर्ड सॉरी रेड कलर का डीएनए का स्ट्रैंड देखने को मिल रहा है क्या इसमें नहीं तो दो डीएनए के मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं कि जिसमें रेडियो एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है तो हाफ ऑफ द डी एन मॉलिक्यूल्स कंटेंट्स नो रेडियो एक्टिविटी वेरज हाफ ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स विल कंटेंट रेडियो एक्टिविटी ठीक है तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर देखा आपने तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है ये गेट में भी आता है और डीबीटी में भी आता है और नेट में भी आता है ये ये लेवल का क्वेश्चन ये टाइप का क्वेश्चन तो नीट लेवल का है तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना चाहिए था ठीक है तो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा ठीक है तो ये लेक्चर देखने के बाद आप भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे अगर नहीं हो रहे तो आपको अपने लेक्चर्स देखने पड़ेंगे तो उसके बाद तो ये आराम से हो जाएगा क्योंकि ये लेक्चर कवर करने से पहले बच्चों ने रेडियो एक्टिविटी जो मेरे से पढ़ी थी उसके बाद मैंने ये लेक्चर अपलोड किया था ठीक है तो ये आपको समझ में आया होगा तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा देन यू कैन ऑलवेज शेयर आवर वीडियो लेक्चर्स विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे विल ऑल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम अवर वीडियो लेक्चर्स ठीक है और अगर पसंद आया देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो पोस्ट कर सकते हो ठीक है और कोर्सेज की लिंक्स एंड ऑल मैं सब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ टेलीग्राम ग्रुप्स की ठीक है एंड्रॉयड ऐप की तो वो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो ओके सो सी इन द नेक्स्ट लेक्चर थैंक्स फॉर वॉचिंग